हे फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करेंगे QUT और GGI के बीच में जो अगला D10 का मैच होने वाला है। इस वीडियो के अंदर इस मैच का पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं। QUT और GGI के टीम ने अभी तक इस टूर्नामेंट की जितने भी मैचेस खेले हैं सारे मैचेस को कवर करेंगे। भाइयों, आपको बैटिंग ऑर्डर बताएंगे, कौन से प्लेयर किस ऑर्डर पर बल्लेबाजी करेंगे, कौन से बॉलर कम्प्लीट 2 ओवर तक गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे दोस्तों, किसे अपने टीम में आप कैप्टनसी के लिए ले सकते हो, किसे वाइस कैप्टनसी के लिए ट्राई कर सकते हो, सारे डिटेल्स मैं आपको देने वाला हूं। बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट के लिए इस वीडियो को एक बार शुरू से जरूर अंत तक वॉच करना भाइयों, ताकि पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिल पाए इस मैच से रिलेटेड और आप एक शानदार से शानदार टीम बना पाओ। वीडियो को लाइक से स्टार्ट करना भाइयों, बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, ताकि आने वाले T10 और T20 मैचेस का आपको इसी प्रकार वीडियो और इंफॉर्मेशन मिलता रहेगा। दोस्तों, इस मैच का फाइनल टीम के लिए एक बार हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जो कि 30,000 से अधिक मेंबर ने ज्वाइन कर लिया है। बिल्कुल फ्री ग्रुप है और आपके हेल्प करने के लिए बनाया गया है। दोस्तों, इस वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स पहला कमेंट में। दोस्तों, 30,000 से भी अधिक मेंबर ने ज्वाइन कर लिया, बिल्कुल फ्री ग्रुप है। देखो, लाइनअप के बाद फाइनल टीम आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ही सेंड कर दिया जाएगा। इस वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स पहला कमेंट में, आप आसानी से क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। देखो, ये जो मैच है दोस्तों, ALM क्रिकेट ग्राउंड ओमन में ये मुकाबला होगा। यहाँ का पिच कंडीशन अगर आप देखेंगे तो बैटिंग फ्रेंडली पिच रहेगा। दोस्तों, यहाँ अभी तक QUT के टीम ने 3 मैच खेल चुका है, जिसमें से 2 मैचेस में जीत हासिल करा है, 1 मैच जो है लॉस किया है दोस्तों। लेकिन GGI की बात करते हैं ना, तो इन्होंने 3 मैच में 1 मैचेस में यहाँ पे जीता है और 2 मैच लॉस करते हुए आए हैं। तो थोड़ा सा अगर आप देखोगे तो QUT की टीम थोड़ा ज़्यादा मजबूत नजर आएंगे इस मैच के अंदर। यहाँ पर आपको स्वप्निल जो कि टीम के कैप्टनसी का रोल करते हुए देखेंगे। इन्होंने दोस्तों 1 ही मैच खेला है जहाँ पे 1 रन पर आउट रहा था इनको और यहाँ पे हसीर को, इनको ड्रॉप करते हुए चलो ठीक है। क्योंकि देखो, इनका अगर आप देखोगे ना तो 2 मैच खेला है, ओपन करा है, दोनों मैच में ये बंदा फ्लॉप रहा है, 0 रन 1 रन पे आउट रहा है। मतलब इनका फॉर्म देखोगे तो उतना अच्छा नहीं है। सिद्धार्थ की बात करते हैं तो पहले मैच में 7 रन, फिर 18 बना के 1 विकेट, फिर फ्लॉप रहा है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो 25 रन बना के 1 विकेट निकाल चुके हैं। प्रणव, ये 2 मैच खेला, दोनों मैच फ्लॉप रहा, इनको भी ड्रॉप कर सकते हैं। समय को ले सकते हैं जो कि पूरे सीरीज में 9 रन बना के दोस्तों यहाँ पे 3 विकेट निकाल चुके हैं, जो आपको बॉलिंग कंप्लीट आपको यहाँ पे 2 ओवर तक कन्फर्म करते हुए दिख जाएंगे। और तीनों मैच में इनको 1-1 विकेट मिला, आप देख सकते हैं। गणेश जो कि एक अच्छा ऑप्शन रहेगा, पहले मैच में 1 विकेट, फिर 1 विकेट, फिर फ्लॉप रहा है, ये भी टीम के काफी बढ़िया गेंदबाज, इनको भी ले सकते हैं। आशीष दोस्तों, पहले मैच में 15 रन, फिर यहां पे 16 रन स्कोर करा है, 2 मैच खेला है, दोनों मैच में अच्छा परफॉर्म किया है। राणा नेम अनवर की बात करते हैं दोस्तों, पहले मैच में फ्लॉप, फिर 18 रन, यहां पे देखोगे इनका रिकॉर्ड आप देख सकते हैं, यहां पे 2 मैच खेला, 2 मैच में ओपन करा इन्होंने। वहीं बात करते दोस्तों यहाँ पे रतन के बारे में, पूरे सीरीज में 10 रन बना के 3 विकेट निकाले, थर्ड राउंड का प्लेयर है, प्लस आपको 1 से 2 ओवर तक गेंदबाजी करते हुए दिख जाएंगे। मोनिस अंसारी जो कि ये भी एक अच्छे गेंदबाज है, ये भी दिख जाएंगे दोस्तों 2 ओवर तक गेंदबाजी करते हुए। दोनों के दोनों टीम के बहुत बेहतरीन गेंदबाज है, तीनों मैच में इनको 1-1 विकेट मिला है, आप देख सकते हैं। अजगर अली पहले मैच में 18, फिर यहाँ पे 3 रन स्कोर कराया दोस्तों, देख सकते हैं। बाकी इन तीनों का रिकॉर्ड उतना मजबूत नहीं है, इन तीनों को ड्रॉप कर सकते हैं। तो ये जो आप डिटेल्स देख रहे हैं, ये QUT का बैटिंग ऑर्डर है, ऑलमोस्ट सेम बैटिंग ऑर्डर आपको इस के अंदर भी देखने को मिलने वाला है भाइयों। बाकी GGI की बात करते हैं तो GGI के टीम के पहला मुकाबला फ्लॉप रहा था, देख सकते हैं इन्होंने, मतलब GGI के टीम के तरफ से अहमद खान का पहला मुकाबला फ्लॉप रहा है। कैप्टन भले ही 3 मैच खेले, 3 मैच में बल्लेबाजी गेंदबाजी करते हुए नजर नहीं आए। प्रणव मेहता, इन्होंने ओपन करते पहले मैच में 14, दूसरे मैच में 1 रन स्कोर कराया है दोस्तों। बाकी इकबाल की बात करते हैं तो ओपन करते पहले मैच में 9 रन, कोई विकेट नहीं मिला, फिर 1 रन बना के 3 विकेट, फिर यहाँ पे 9 रन बना के 1 विकेट निकाले। पूरे सीरीज में अगर आप देखोगे तो ओवरऑल इन्होंने 19 रन बना के 4 विकेट निकाल चुके हैं, जो ओपन करते हुए दिखेंगे, प्लस आपको 2 ओवर तक कंफर्म गेंदबाजी करते हुए दिख जाएंगे। कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा। वही बात करते हैं मोशिन के बारे में दोस्तों, पहले मैच में 2 विकेट, फिर फ्लॉप रहा, फिर यहाँ पे 2 विकेट निकाले, ये भी टीम के बहुत बेहतरीन गेंदबाज है, कंप्लीट ओवर गेंदबाजी करेंगे, जरूर पिक करना इनको। अदिल खान जो कि पहले मैच में फ्लॉप, फिर यहाँ पे फ्लॉप, फिर लास्ट मैच में 1 विकेट निकाले हैं, बाकी इन दोनों को ड्रॉप करो। DN की बात करते हैं तो पूरे सीरीज में 57 रन बना के 2 विकेट निकाल चुके हैं, ये भी एक बहुत बेहतरीन गेंदबाज, इनको भी ले सकते हैं। कशिफ अली पूरे सीरीज में 85 रन बना के 3 विकेट निकाले हैं, बल्लेबाजी गेंदबाजी दोनों करेंगे, तो इनको भी अपने टीम में आप ले सकते हो दोस्तों, जो कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए बेस्ट रहेगा। बाकी इन चारों को ड्रॉप करेंगे, चारों का रिकॉर्ड उतना मजबूत नहीं है, चारों ने यहाँ पे 1 से 2 मैच खेला जो कि फ्लॉप रहा है, देख सकते हैं, इनको ड्रॉप कर सकते हैं। तो ये रहा रिकॉर्ड दोनों ही टीमों का दोस्तों, ऑलमोस्ट सेम बैटिंग ऑर्डर आपको इस मैच के अंदर भी देखने को मिलेगा। देखो, इसमें से ना आपको जो भी इंपॉर्टेंट लग रहा है अपने टीम में आप ट्राई कर सकते हो। बाकी मैंने आपके लिए टीम बना के रखा है बिफोर लाइनअप, जिसमें से पी मेहता को मैंने विकेट कीपर में ट्राई करके रखा है, जो कि टीम के टॉप ऑर्डर पर खेलेंगे। बैटिंग में 3 बैट्समैन मेरे पास है दोस्तों, जो तीनों के तीनों हाई इंपॉर्टेंट है, तीनों आपको टॉप ऑर्डर पर बल्लेबाजी करते हुए दिख जाएंगे। और
ऑलराउंडर में अगर आप देखेंगे तो केएलई हाई इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बैटिंग बॉलिंग दोनों करेंगे। जी इकबाल को मैंने वाइस कैप्टनसी के लिए ट्राई कर रखा है, ये भी बैटिंग बॉलिंग दोनों करते हुए देखेंगे। बॉलिंग में अगर आप देखेंगे तीन बॉलर मैंने एक टीम से क्यूएटी की टीम से ट्राई करके रखा है, जो कि कंप्लीट आपको दो दो ओवर तक गेंदबाजी करते हुए दिख जाएंगे। क्यूएटी भी हाई इंपॉर्टेंट बॉलर, इस वजह से मैंने ट्राई करा है दोस्तों। तो ये जो टीम है अभी आप लोग सेव कर लो इसको, ठीक है। और लाइनअप का वेट करना, इस मैच का फाइनल टीम मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। जिसने ज्वाइन नहीं करा है जल्दी से कर लो, जो इस वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा डिस्कशन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स पहला कमेंट में। बाकी मिलते हैं भाइयों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।